हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि किससे मिलने के लिए जा रहा हूं मैं। मानसी अभी घर पे ही है, थोड़ी मम्मी की हेल्प करवा रही है। तो मैसेज पहुंच चुका है कि गवर्नर साहब एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। तो पापा का फोन आ गया है, पापा वहीं पर हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो अब चलते हैं, रास्ते में से फ्लावर पॉट ले लेते हैं उनके वेलकम के लिए। अभी भीड़ काफ़ी है, लोग बहुत सारे आए हुए हैं, भीड़ इतनी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे जल्दी। सर्किट हाउस से बोल रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं। आपके गवर्नर साहब महामहिम वीपी सिंह जी साहब बता रहे हुए हैं। अभी यहाँ कुछ कोरोना काल से कहीं अच्छे अच्छे लोग पार्टी के और समाज से भी गए हैं, उनके यहाँ बैठने बता रहे हैं। उनकी हम पर विशेष कृपा रही है, इसलिए हम भी यहाँ दर्शन करने यादें ताज़ा करने आए हैं। सबको प्रणाम। ये हमारे अल्पसंख्यक आयोग के, हमारे भीलवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं अल्पसंख्यक के। भीलवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये छोटा बेटा है मेरा, वहीं चंडीगढ़ ही रहता है। ये सर वो चंडीगढ़, ये अमृतसर में जिसकी सगाई की थी सर, ये वही उच्च। आप कैलाशी शर्मा साहब बागौर से, आपके सहयोग से ही आपसे संपर्क हुआ। अभी वीपी सिंह जी साहब जो हमारे पंजाब हरियाणा के गवर्नर साहब हैं, हमारे यहाँ बदनौर के निवासी हैं। सर्किट हाउस से भी यहाँ एक तो आचार्य महाश्रमण जी बता रहे हैं, वहाँ कल 10 बजे आप वहाँ दर्शन करने जाएंगे। आज शाम को यहाँ बनेड़ा में हमारे आगे पूर्व सांसद रहे हैं, हमारे भीलवाड़ा जिले के अमरिंदर सिंह जी, उनके देहावस्थान के बाद उनके यहाँ बैठने पर रहेंगे। इसी दौरान हमारे पर भी कृपा हुई, मालूम पड़ा कि साहब बता रहे हैं जो दर्शन करने आए हैं साहब के। अंकित बाबू का आशीर्वाद दिलाया है, बेटा खूब काम करना, खूब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। वहाँ हरियाणा पंजाब में इसका आशीर्वाद है ही है, इस बच्चे पर संरक्षण करता है, अकेला महसूस नहीं करे, हमारा कोई है। ईमानदारी से आशीर्वाद मिला है, आप भी ईमानदारी से काम करना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी उतना टाइम मिल नहीं पा रहा, लेट भी हो चुके हैं थोड़े, यहाँ आगे भी निकलना है तो कम समय है। नहीं वैसे और मिलेंगे, परिवार का है अभी तो बड़े पप्पे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है यहाँ के। अभी यहाँ पाठक साहब बैठे हैं जो यहाँ के नगर परिषद के सभापति हैं, यहाँ के MLA साहब बैठे हैं, तो मर्यादा रखनी चाहिए। अपने तो घर के लोग हैं, अपने को तो ध्यान रखना। अपने जो बड़े पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी गरिमा अपने को रखनी चाहिए, इसलिए मर्यादा रखना है।
के धर्म भाई के पुत्र हैं, आप लोरे ठाकुर साहब हैं, और हमारी और आपका जो स्नेह प्रेम है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारे पुरखे बना गए जिसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने पड़ोसी गांव बांगली के निकट ही आपकी रियासत है लुआरिया, जहाँ के आप ठाकुर साहब हैं, और बीपी सिंह साहब के हमारे गवर्नर साहब के बहुत ही नज़दीकी आपके आत्मिक पारिवारिक संबंध हैं। साहब के पधारने के स्वागत में आप भी पधारे हैं, हमारे भी मन में भाव है कि भाई साहब के आज बड़े दिनों बाद कोरोना काल के बाद दर्शन हुए पर है सर, आप ही आशीर्वाद ले लो। ये साहब ये चंडीगढ़ पढ़ता है, वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाँ साहब से मिला दिया है, ये तो चंडीगढ़ में ही इस पर हाँ वहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो ठीक है बाबा। तो प्रोग्राम सही रहा, मिल लिए हैं। एक्चुअली बात ऐसी कि यहाँ पे थोड़े ऑफिशियल वर्क्स आए थे तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, बाकी पर्सनली अपन इंडिविजुअली तो कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क से आता है तो फिर अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो पापा रवाना हो चुके हैं, पापा अब जाएंगे अपनी मीटिंग के अंदर, पापा जाएंगे अपनी टीम के साथ अपनी मीटिंग में। तो पापा यहाँ से रवाना हो चुके हैं पीछे, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ फिर से घर पे। जितना भी मिले हैं, जितना भी मीटिंग हुई, जितना भी बात हुई है, एक्चुअली बात ऐसी कि वीपी सिंह साहब का जब मेरी सगाई हुई थी तो सगाई के अंदर उनका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी, उन्होंने हमें कोविड के रिलेटेड जितने भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सारे समझाए कि भाई अगर आप सगाई कर रहे हो कोविड के टाइम पे, तो मतलब कोविड इन द सेंस कि लॉकडाउन था नहीं, परमिशन थी, लेकिन फिर भी जो अपने को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, दूरी बनाए रखनी है, रूल्स का सबका पालन करना है, तो सारा अच्छे से उन्होंने समझाया था और एक अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी थी हम लोगों को। तो हम दिल से उनके बहुत 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 आभारी हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अब मैं निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, आपने वीडियो के अंदर क्लिप में देखा ही होगा कि क्या हालत थी मेरी, और मतलब कह नहीं सकता कि राजस्थान के अंदर जो गर्मी है, बस राजस्थान # गर्मी आप समझ ही सकते हो। सो गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, और अभी घर पे सब सोए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी भी सोई हुई, मानसी इस व्लॉग के स्टार्टिंग में आप नहीं थे लेकिन एंडिंग में आप जरूर हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और क्या करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना।